Students, today we will do the second part of the chapter, chapter six, uh, laser time. Laser time. We have done about the traditional and modern games. We have discussed more board games. We have discussed the famous aduli atta and uli mal uh, uh, alu guli mane from Tamil Nadu, and I have discussed about the boat race and even the martial art.

एंड जो ब्रीदिंग से जो भी चीज़ कराने उसको प्राणाम बोलते हैं सो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस मेक्स अ सिक एंड टायर्ड योगा हेल्प अस टू बी लीड हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री सॉरी स्ट्रेस फ्री लाइफ इट आल्सो गाइड्स अस टू एडप्ट राइट ईटिंग हैबिट्स योगा इज अ पार्ट ऑफ एशियट इंडियन कल्चर in recent times it has become very popular in indian uh, all over the world in india and all over the world so children's physical and mental stress today everybody is facing facing physical and mental stress physical means thakaan. जो हम थक जाते हैं वो हमारा फिज़िकल स्ट्रेस है एंड मेंटल स्ट्रेस जो हम लगातार एक ही चीज़ को कर करके थक जाते हैं वो हमारा मेंटल स्ट्रेस है इससे भी हम बीमार होते हैं सिख एंड टायर्ड हो जाते हैं तो योगा हम सबको इन सब से बहुत हेल्दी बना सकता है स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाता है आप योगा करने के बाद प्राणायाम करने के बाद रिलीफ महसूस करेंगे जो आप कैसे भी महसूस नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात बेटा योगा में आप एडप्ट कर सकते हैं राइट ईटिंग हैबिट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में और ईटिंग प्रॉपर नहीं होता है तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता तो सारी चीज़ें फिर प्रॉब्लम होटिक हो जाती हैं तो सबसे पहले जब योगा इंसान करता है तो ईटिंग हैबिट्स भी सीखता है प्लस ब्रीदिंग से भी उसका बहुत अच्छा होता है इंडिया में योगा बहुत पुराने ज़माने में ऋषियों के ज़माने से चले आ रहा है और आज मोदी जी की बदौलत ना योगा डे ट्वेंटी फर्स्ट जून को हम योगा डे मनाते हैं एंड ये योगा डे वर्ल्ड योगा डे है मतलब तो पूरी दुनिया मनाती है और आजकल योगा को सब इतना पसंद करने के सब योगा करते हैं एंड ये पार्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है और अभी देखिए कोरोना पीरियड में आपको डेली योगा करना चाहिए और सांस की जो लंग्स की जो बोलते हैं ना योगा में कोरोना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लंग्स को तो सबसे अच्छा है प्राणायाम करो हर प्रकार के तीन चार प्रकार के प्राणायाम है हमारे शास्त्री सर आपको बहुत बार सिखाए हैं उन सबको आप करिए आप स्वस्थ रहेंगे योगा टीचर्स यस आसनस आसन मीन्स पोस्चर जो आप बताइए ना देखिए ये सब आसन है पोस्चर्स हैं जिस प्रकार से आप करेंगे टू बिल्ड एनर्जी इससे क्या क्या होता है बेटा एनर्जी आती है एनर्जी आती है टोन हमारा बॉडी पूरा टोन होता है टोन मतलब शेप हो जाता है मसल्स स्ट्रोंग होते हैं एंड कीप अव फिट एंड बॉडी को फिट रखने के लिए सबसे बेस्ट है योगा दूसरी बात ये सेकेंड पॉइंट इसका सबसे अच्छी बात है कि कोई एक्सरसाइज कोई हैवी महंगी चीजें एक्सपेंसिव चीज़ें एक चटाई पे छाके के भी आप कर सकते हैं जरूरी नहीं है आपके पास योगा मैट हो आप एक चद्दर बिछा के और कोई जगह की जरूरत नहीं बस एक खुली जगह में आपको योगा करना है प्रैक्टिसिंग योगा इट कैन प्रैक्टिस इट कैन बी प्रैक्टिसड एनी टाइम एनी वेयर ऑफ द डे हाँ कोशिश ये करें कि सुबह सुबह योगा करें वो ज़्यादा बेटर है खाली पेट योगा ज़्यादा फायदेमंद होता है तो योगा उसी वक्त करें ताकि आपके लिए ईजी हो सेकेंड ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको योगा के लिए सिखाया गया है अब आते हैं प्राणायाम में प्राणायाम मैंने आपको जस्ट बताया था कि वो ब्रीदिंग से आपके बॉडी को रिलैक्स महसूस करा सकता है ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट ये जो हम एक निश्चित सीमा के बाद छोड़ना लेना कभी नाक से कभी मुंह से कभी आँखों से भ्रमिक प्रणाम प्राणाम ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट प्राणाम हम करते हैं उससे हमारी ब्रीदिंग बॉडी सर्कुलेट रेगुलेट होती है और प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस है और डिसऑर्डर्स हैं एंजाइटी है एंजाइटी माने जैसे uh, कैसे विचार आते हैं जैसे एकदम उत्तेजित हो जाते हैं या हाइपर हो जाते हैं इस टाइप के एंजाइटीज एंड डिप्रेशन मतलब लो फील करना अच्छा नहीं लगना अच्छा महसूस नहीं करने को डिप्रेशन बोलते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स से हमको प्राणायाम बहुत अच्छा रिलीफ देता है किसी दवाई की बोलते ना ना हींग लगे ना फिटकड़ी रंग चौखा तो ना दवाई ना कुछ इन सब से भी हम बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन आजकल एक बहुत कॉमन है स्पेशली अभी लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंड डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग सोच में पड़ जाते हैं हाय मेरे पास काम धंधा नहीं है नौकरी नहीं है अब मैं कैसे करूँ डिप्रेशन में आ जाते हैं मतलब हार मान लेते हैं ज़िंदगी से मैं कुछ लायक नहीं हूँ इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सबसे रिलीफ दिलाता है प्रणाम ओके और एंजाइटी uh, मतलब अ, अजीब अजीब जो ख्याल आते हैं जिससे गुस्सा आ सकता है जिससे मन विचलित हो सकता है वो सबसे प्राणायाम सबसे बेस्ट होता है उसके साथ साथ आता है ब्रीदिंग ब्रीदिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बार बार समझाया जा रहा है कि योगा के साथ साथ योगा में प्राणायाम और मेंटल हेल्थ के लिए ब्रीदिंग बहुत जरूरी है अभी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया वेन वी इन्हेल द ब्रीथ हेल्प्स आर बॉडी टू अब्जर्व ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है जब एन इनहेल जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा अंदर जा, जा जाती है जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है तो वो बॉडी के लिए अच्छा होता है देन हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी एक्सेल और जब हम बहुत ज़्यादा सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो बाहर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड पता है ना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ यू विल फील इमीडिएटली लेस मेंटली फील फील मेंटली एंड फिज़िकली रिलैक्स्ड जब भी आप टेंशन में हो जब भी आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो एक लंबी सांस लें और फिर धीरे से छोड़ दें उससे आपको बहुत जल्द मेंटल एंड फिज़िकल रिलैक्सेशन तुरंत मिलता है और ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है रिलीफ महसूस करने के लिए ओके देन यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड अ वुड कटर वॉज फीलिंग कोल्ड इन अ डीप फॉरेस्ट एंड ब्लू ऑन हिज हैंड ब्लू ऑन हिज हैंड मिया बलिस्तिया वॉज क्यूरियस ही आस्ड द वुड कटर द रीजन फॉर डूइंग सो आई आई ब्लो ऑन देम टू मेक देम वॉम एक्सप्लेन द वुड कटर A little later, the woodcutter boiled a potato. He started brewing on it also. Mia Balistia was confused. He said, potato is already hot. Why do you... आई वॉन्ट टू ब्लो इट हॉट अ द वुड कटर इज रिप्लाइड आई एम ब्लोइंग इट टू कूल इट डाउन सो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वॉट इज इट मिया बिस्ती वॉज कन्फ्यूज सो देखिए इसमें क्या होता है देखिए हमको बहुत ठंड लग रही होती है तो हम क्या करते हैं हाथ को जो जो से मलते हैं और उसमें फूकते हैं तो वो गर्माहट आती है हमारी सांस की गर्माहट आती है जिससे हमको थोड़ा वार्म फील होता है अच्छा लगता है इस तरह हम अपने आप को वार्म कर सकते हैं और जब कोई चीज़ पटाटो है देखिए यहाँ पे पटाटो है गरम गरम पटाटो उसको खा नहीं सकते रोटी गरम गरम नहीं खा सकते कोई चीज़ गरम होती देती है आपको मम्मी तो क्या करते हो आप उसमें फुर से फूक फूक के खाते हो तो ठंडा करके तो हमारे बॉडी में ये एक अच्छी प्रक्रिया है या सिस्टम है जिससे कि हम अपने ही बॉडी से गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों निकाल सकते हैं इस तरह से बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं when you यू ब्लो narrow स्ट्रीम ऑफ एयर इट फील्स कोल्ड एंड when यू ब्रीथ uh, when यू breathe विथ वाइड ओपन माउथ इट फील्स वॉम वैन वी ब्लो ऑन वैन वी ब्लो ऑन कोल्ड थिंगस वी मेक देम वन हॉट थिंग्स वी मेक देम कूल सो ट्राई इट बट अब कभी धर्म में देखना जब हम किसी चीज़ को गर्म चीज़ पर हमेशा फूकते हैं तो वो ठंडा करने के लिए फूकते हैं और जब हम किसी ठंडी चीज़ को फूकते हैं तो वह गर्म करने के लिए कर फूकते हैं तो ये हमारे सांस में ये रेगुलेटिंग सिस्टम होता है जिससे हम ठंडा गर्म कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा होता है कुछ कुछ जगह पे तो मैंने कुछ वीडियोस व्हाट्सएप पे भी देखे हैं कि बीपी लो और हाई होता है तो वो भी सांस के द्वारा रेगुलेट करके ठीक किया जा सकता है देन कम्स टू थिएटर थिएटर इज़ अनदर पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ये थिएटर बेटा उस ज़माने में थिएटर बहुत फेमस था जब सिनेमा नहीं आया था लोग थिएटर बहुत जाते थे थिएटर मतलब कि आ uh, क्या बोल सकते हैं जहाँ पे देखिए मैं बोलती हूँ यहाँ पे नाटक करना स्टेज पे बैठ के ड्रामा या स्टेज पे कुछ करना जैसे एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल सिंस ओल्डन टाइम्स लोग उस जमाने में नौटंकी जो आप बोल सकते हो पहले ज़माने में नौटंकी बहुत चलती थी क्योंकि टीवी और सिनेमा नहीं होता था और यात्रा बेटा तो बहुत पॉपुलर है स्पेशली छत्तीसगढ़ उड़ीसा पीपल के लोग यात्रा बहुत करते हैं यानी कि स्टेज पे बहुत ड्रामा टाइप का करते हैं ज़्यादातर माइथोलॉजी बेस्ड होते हैं एंड एवरी डे टू एंटरटेन द मास रोज रात को वहाँ पे यात्रा हो जाता है रात से नौ बजे से दस बजे लोग खाना खा के एक तरह का भजन हो जाता है कीर्तन हो जाता है या भगवान से जुड़े संस्करण जैसे कृष्ण लीला है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है के ड्रामेटाइजेशन ऑफ रामलीला कृष्ण अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ था। पीपल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज इवन टुडे आज भी ना, आज भी रामायण की जो सबको पता है रामायण क्या है फिर भी लोग आज भी रामलीला कृष्ण लीला देखने जाते हैं और ये नाटक के द्वारा रंगमंच के द्वारा स्टेज परफॉर्म करते हैं आर्टिस्ट और माइथोलॉजी मतलब भगवान से जुड़ी हुई कहानियों को दिखाया जाता है और ड्रामाटाइज मतलब ड्रामा एक्ट करके दिखाते हैं इन मॉडर्न टाइम्स थिएटर हैव डेवलप इनटू अ वंडरफुल आर्ट इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस बाय द सोसाइटी और कंट्री इट आल्सो इम्पैक्ट्स एजुकेशन आइडियाज़ वैल्यूज एंड इंफॉर्मेशन इन एन एफेक्टिव एंड क्रिएटिव वे थिएटर इज़ वेरी पॉपुलर आर्ट एज इट एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एक्टर्स एंड ऑडियंस ऐसा माना जाता है कि थिएटर पहले से कम हो गया है लेकिन आज भी आप चले जाइए महाराष्ट्र तरफ या आ, या रूरल एरियाज तरफ आज भी थिएटर को बहुत मानते हैं हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट बहुत से जैसे अनुपम खेर है और अ, अ, ये क्या बोलते हैं ये भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे अनुपम खैर खुराना है ये लोग सब थिएटर आर्टिस्ट थे बेटा पहले थिएटर में अपना आ, पूरा दिखाते हैं जब वो वहाँ से फेमस हो जाते हैं तब वो पिक्चरों में चले जाते हैं है ना और इस तरह से वो लोग एक चीज़ है सोसाइटी में अपना ज दिखाते हैं कि सोसाइटी में आर्टिस्ट लोग किस तरह से सोसाइटी को चेंज करते हैं वो लोग एजुकेशन आइडियाज़ वैल्यूज़ इंफॉर्मेशन पास करते हैं इफ़ेक्टिव एंड क्रिएटिव वे उसके माध्यम से एक ड्रामा के माध्यम से एक एक्ट एक के माध्यम से हम ये दिखाते हैं जैसे कि हमने कैसे सोसाइटी को बदल सकते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा मैंने भी एनुअल फंक्शन में भी हम वही करते हैं मैं भी अपने एनुअल फंक्शन में वो जो गंगा नदी के ऊपर मैंने जो अपना डांस प्रस्तुत किया था उसमें मैंने गंगा को गंगा की सफाई पे जोर दिया था और गंगा को प्रदूषण होने से बचाने के लिए बच्चों के बीच में मैसेज दिया था सो so, इस तरह से हम एक क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा से हम बच्चों के बीच में अवेयरनेस अवेयरनेस मतलब जानकारी या आ, वो फील करा सकते हैं कि हमको गंगा जैसे नदी को बचाना है वैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं पेड़ लगाना है कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना है इस तरह से कुछ भी प्रेजेंट करके अपनी बात को प्रस्तुत करना ताकि लोगों के बीच में हम डायरेक्ट संपर्क बना सकें स्पेशली एक्टर एंड ऑडियंस एक कनेक्टिविटी आ जाती है जिससे लोग उनको फॉलो करते हैं लोगों के बीच में बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है जिसकी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं नुक्कड़ नाटक एक समय था बेटा नुक्कड़ नाटक बहुत फेमस था आज भी है नुक्कड़ नाटक गाँव गाँव में कुछ स्पेशल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो परफॉर्म करते हैं लाइक like पॉपुलेशन पे यानी कि बच्चा कंट्रोल पे बच्चे को मतलब एक परिवार में दो ही बच्चे होने चाहिए इस टाइप के लिटरेसी पढ़ो पढ़बो लिखबो बढ़ बो ऐसे करके करप्शन से फाइट मैन वुमेन की वुमेन को लेकर आ, औरत को लेकर समाज में क्या इज्जत होनी चाहिए इन सब पे बहुत सारे प्रोग्राम्स वो लोग स्टेज पे या फिर नुक्कड़ नाटक के तौर पे पेश करते हैं अब आते हैं स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग बेटा बहुत ही फेमस है बच्चों के बीच में बच्चे अपनी दादी नानी के पास तुरंत बैठ जाते हैं दादी दादी नानी नानी एक स्टोरी सुनाओ बहुत क्रिएटिव है लोगों को जैसे खाली समय मिलता है लोग अपनी दादी नानी को पकड़ लेते हैं बेटा आज भी मेरे को याद है हम लोग जब छोटे थे तो आ, एक बहुत अच्छी अच्छी दादा दादी की कहानियाँ टी में आती थी मालगुड़ी डेज आता था फिर उसके बाद आ, पोटली बाबा की आती थी और आ, विक्रम बेताल आता था जिसको हम देख देख कर काफ़ी बड़े हुए और उन स्टोरीज से काफ़ी सीखने मिला काफ़ी कुछ समझा जीवन को समझा आजकल वो नहीं आते हैं ये मेरे को बहुत दुख है कि इन सब प्रोग्राम्स को कोई चैनल नहीं दिखाता सिवाय दूरदर्शन के तो इन सब चैनल्स को मेरी रिक्वेस्ट है अगर मेरी आवाज़ सब यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रही है तो इन सब ऐसे कुछ क्रिएटिविटी कुछ ऐसे दिल से जुड़ने वाले या ऐसे छोटे छोटे महान महान लेखकों के की स्टोरी आती थी एक ठो बेटा पहले आ, मिट्टी के रंग ये छोटे छोटे स्टोरीज हैं एक दो एपिसोड में ख़त्म हो जाते थे उन स्टोरीज़ के माध्यम से बहुत कुछ अपने बच्चों को सिखाते हैं पता है मैंने जो वो सब जो सुन देखा था वो हमेशा मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ ताकि मेरे बच्चों को स्टोरीज के प्रति इंटरेस्ट आए अ स्टोरी इज़ अ कथा इन संस्कृत और कथाई इन तमिलनाडु स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट इन एशियन आर्ट दट इन्वॉल्व्स नरेटिंग स्टोरी ओरली स्टोरीज एक्सप्रेस एक्सपोज द लिसनर्स टू द रिचनेस ऑफ डिफरेंट थीम्स कल्चर एंड लैंग्वेज स्टोरी जो है बेटा लोग संस्कृत में कथा बोलते हैं और कथाई तमिलनाडु में बोलते हैं ये एक तरह का आर्ट होता है बोलने का एक स्टाइल होता है स्टोरी सुनने के लिए भी और बोलने के लिए दोनों के लिए आर्ट चाहिए सुनने वाला तो चुपचाप मौन के सुनता है लेकिन आर्टिस्टिक वही होता है जो बहुत अच्छे ढंग से बोले मतलब उतार चढ़ाव होना चाहिए जैसे कब गुस्से में आवाज़ थोड़ी चाहिए राजा ने ऐसे बोला तो मंत्री ने ऐसे जवाब दिया तो ऐसे थोड़ी से टोन मॉडुलेशन अगर वॉइस में हम करें तो स्टोरी सुनना नैरेटिंग मतलब सुनाना बहुत अच्छा होता है नैरेटिंग मतलब बोलते रहना कोई बोल रहा है जो बोलता है जो स्टोरी को समझाता है उसको नैरेटर बोलते हैं तो ये बहुत ओरली अगर हम स्टोरी सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मज़ा आता है बस आर्ट होना चाहिए और लिसनर्स को डिफरेंट डिफरेंट थीम एक जैसे स्टोरी ना सुना के डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुनाइए कल्चर पर सुनाइए लैंग्वेज पर सुनाइए तो ऑब्वियसली सबको पसंद आएगा लिसनिंग टू स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन अ फेवरेट एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रेन आजकल बच्चों को बहुत आजकल के नहीं पुराने बच्चों को हमारे बच्चों को सब बच्चों को स्टोरीज बहुत पसंद है बताए मैं, मैं क्लास में जैसे ही बोलती हूँ बेटा आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि पूछने की बात नहीं है द ग्रैंड पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स एंड द टीचर नारेट द स्टोरीज and uh, was to give information spread knowledge and information imagination इससे बच्चों के बीच में भी information जाती है बहुत सारे चीज़ों का knowledge पता चलता है और imagining power यानी कि सोचने की शक्ति भी बढ़ती है they helped the uh, children to imagine डेवलप इमेजिनेशन सोच नहीं की सकती कभी कभी बच्चे बीच बीच में सवाल पूछते रहते हैं मैडर्म so, ऐसा होता था तो क्या करते थे तो ये जो इमेजिनेशन शक्ति है जो बच्चों में डेवलप होती है वो कुछ सुनने से आती है और लिसनिंग स्किल भी बढ़ता है द स्टोरीज में परफॉर्म मे बी फॉम ग्रेट टॉपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत और अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स अबाउट फेमस पर्सनैलिटी द नारेटर्स Uses the variety of expression, voice modulation, and themes to make stories interesting and uh, entertaining. दे ऑल्सो यूज पपेट सॉन्ग्स म्यूजिक एंड लाइट स्टोरीज़ के लिए बेटा बहुत ज़रूरी नहीं है कि महाभारत एंड रामायण की स्टोरी लें आप किसी भी प्रकार की स्टोरी ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था मिट्टी के रंग एक सीरियल आता था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरीज होती थी उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों को समझाया जाता था कि लोगों की फीलिंग्स को हम कैसे ध्यान दें दे। मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था फीलिंग्स के प्रति किसी की भावनाओं को समझने के लिए वो बहुत अच्छा एक सीरियल था एंड महाभारत और रामायण तो है ही जो देखते ही रहो जिनको हर बार जितनी बार आप देखोगे कुछ नया सीखने और समझने मिलेगा वो तो है ही वो तो सीखना ही चाहिए इसमें ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में भी हमको जानते रहे हमारे महात्मा गांधी जी हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे राणा प्रताप हैं इन सब महान लोगों के बारे में भी हमको पढ़ना पढ़ना चाहिए ताकि इनके महान कार्यों से हम भी कुछ सीखें उसके अलावा वॉइस मॉडुलेशन एक्सप्रेशन आवाज़ में कम ज़्यादा कब कम होनी चाहिए कब ज़्यादा होनी चाहिए और कस कैसे पेश आए कि कैसे बोले कि वो इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगे इतनी बोरिंग स्टोरी ना सुना दें कि लोग बच्चे दस मिनट में सो जाएं इतनी भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए आप स्टोरीज़ बोलते वक्त पपेट सॉन्ग्स एंड एंड लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने मालगुड़ी डेज़ के बारे में बताया देखिए यहाँ पे मालगुड़ी डेज़ के बारे में लिखा है आज भी स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स बहुत फेमस है मालगुड़ी डेज बहुत है मालगुड़ी डेज़ की तो म्यूज़िक ही के लिए काफ़ी काफ़ी है इंटरेस्टिंग जो बच्चे को बहुत आ, सुनने के लिए मजबूर कर दे और देखने के लिए मजबूर कर दे फीलिंग्स जहाँ बहुत अच्छे से समझाई गई है ऐसी स्टोरीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है आज के लिए बेटा इतना ही नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ इंटरेस्टिंग मॉडुलेशन वॉइस मॉडुलेशन ये सब मैं अंडरलाइन नहीं कर पाई थी बेटा और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बीच बीच में ध्यान देना चाहिए थैंक यू